ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्त सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भक्ति को पाने का उपाय क्या है इसके बारे में नारद जी चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहले हमने देखा ये पराभक्ति है, भक्ति उसको पाने के लिए तस्याः ज्ञानमेव साधनम् इत्येके, ये 28वां सूत्र है। उसमें उन्होंने अन्य आचार्यों का जो अभिप्राय जो है उसके बारे में कह रहे हैं, उनका मार्गदर्शन क्या है। कई के आचार्य ऐसे कहते हैं भक्ति पाने के लिए ज्ञान ही मार्ग है, ज्ञान ही साधना है। सो इसका मतलब ये हुआ भक्ति पाना, पराभक्ति मतलब भगवान का जो प्रेम है उसको पाना। अब ये देखिए, जो हम लोग इसमें हम दुनिया में ये देखते हैं, किसी व्यक्ति के साथ जब हम मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं, धीरे धीरे हमें उनके प्रति एक आकर्षण होता है। वैसे ही भगवान को ज्ञान मार्ग से आप जानने के लिए कोशिश करो, तब आपको भगवान से भक्ति होगा। ये बात कई आचार्य कहते हैं, ठीक ही है, क्योंकि कई कई लोग जो हैं वो भगवान के पास उनके बारे में जानने के बाद सत्संग में और शास्त्राध्ययन से और अपने ही कुछ अनुभव से जानने के बाद भगवान के प्रति उनको भक्ति होती है, ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं, और एक अभिप्राय भी है, अन्योन्याश्रयत्वम इति अन्ये, अन्योन्य आश्रयत्वम, ज्ञान और भक्ति ये दोनों साधना जो है अन्योन्य आश्रयम, एक दूसरे के सहारा है, एक के बिना दूसरा नहीं होगा। पिछले क्लास में हम देखे हैं कि जैसे जब हम साधना करते हैं, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है, इसमें विशेषता क्या है, ज्ञान मार्ग विचार प्रधान है, सच क्या है और गलत क्या है इसके बारे में सोचने का जो शक्ति जो है उसको विचार कहते हैं, और इस शाश्वत क्या है अशाश्वत क्या है, सत्य क्या है मिथ्या क्या है इसके बारे में विचार करने का जो है उसका भी जरूरत है। और उसी के साथ साथ भक्ति, भक्ति मतलब भाव, भाव जब होता है ना आगे बढ़ने का शक्ति मिलता है। इट इज ए पावर दैट मूव्स, इमोशन इज द पावर दैट मूव्स, ये जो भाव शक्ति जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मदद मिलता है। जैसे भक्ति जिसको होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रार्थना करना कोशिश करना ये सब करते हैं, और जब रास्ता में कुछ बाधा आए उस समय हमें मतलब इसको ये ज्ञान मार्ग का जो विचार जो है जो प्रधान है वो हमें सहायता करती है। यहाँ पर मार्ग की बात कह रहे हैं, ज्ञान मतलब परम ये है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, यहाँ पर ज्ञान मार्ग के बारे में। वैसे भक्ति मतलब भक्ति मार्ग के बारे में,
इसीलिए प्रार्थना और जप ध्यान ये सब करके जब आगे बढ़ते हैं रास्ते में बाधाएं आते हैं, इधर जाऊं उधर जाऊं, किसके पास किसके साथ मैं मतलब संग करूं, सत्संग करूं, मतलब क्या है, ये सबको भगवान ने जो बुद्धि दिया है, विचार करने का शक्ति दिया है, उसके साथ निर्धार करके आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे एक मोटार गाड़ी है, मोटार गाड़ी में जैसे मोटार जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए मूविंग पावर, जब इंजन काम करेगा गाड़ी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको जो अपना लक्ष्य के ओर जाने के लिए स्टीयरिंग जो है वो बहुत जरूरी है, स्टीयरिंग हमें रास्ता में ले जाता है। वैसे ये विचार शक्ति वैसा ही हमें अपना जो डेंजर जो है, यदि स्टीयरिंग न रहे हमें किसी मतलब पेड़ को या कुछ न कुछ को डैश करके गाड़ी वहीं एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी विचार न हो, सिर्फ अपना भावनाओं के इसमें ना बहते जाओ, तब ये एक अपाय है, उसमें डेंजर है। इसीलिए कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्वम, ये दोनों अपनाने से हमें मतलब साधना होती है, ये बात कहते हैं। अभी आज का जो सूत्र जो है वो 30वां सूत्र है, इसमें नारद जी अपना जो अभिप्राय है उसको कह रहे हैं, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमारः, ये 30वां सूत्र है, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्मकुमारः, ब्रह्मकुमारः मतलब नारद जी, नारद जी ब्रह्म के मानस पुत्र हैं, और उनका अभिप्राय क्या है, स्वयं फलरूपता, भक्ति ही भक्ति का फल है, भक्ति ही भक्ति का फल है, भक्ति पाने के लिए आपको भक्ति अनुसरण करना पड़ेगा, ये बात कहते हैं। यहां दो बात है, एक स्वयं और एक फलरूपता, फलरूपता मतलब जो पक जाता है, जब भक्ति मार्ग में जाओगे भक्ति जब पक जाता है तब पराभक्ति मिलता है, सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये जो उसके बारे में दूसरे सूत्र में कहते सत्य, ये भक्ति क्या है, अस्मिन भगवान के चरण कमलों में परम प्रेम, वो अद्भुत प्रेम जो है भगवान के प्रति उसको भक्ति कहते हैं, उसको वो क्या है, भक्ति का ही फल है, ये अलग नहीं होता, ये बात कह रहे हैं। यहां पर नारद के मत के अनुसार भक्ति स्वयं फल रूपा है, नारद के मत के अनुसार भक्ति स्वयं फल रूपता है, देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति स्वयं फल रूपता, उसका फल उससे ही मिलेगा, ये बात कहते हैं। इसका मतलब क्या है, भक्ति किसी कर्म या किसी साधना के फलस्वरूप उत्पन्न नहीं होती, हमें ये बहुत अच्छे तरफ से समझना चाहिए कि ये जो साधना जो है, साधना इसीलिए करते हैं कि मतलब ब्रह्मज्ञान के लिए साधना करते हैं, साधना करने का मतलब ये नहीं है ब्रह्मज्ञान मिल गया उसको ये साधना के फलस्वरूप ब्रह्मज्ञान मिला, ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। साधना इसीलिए करते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए साधना करते हैं, और ये जो ब्रह्मज्ञान जो है स्वतः सिद्ध है, हमारे से अलग नहीं है, कभी अलग नहीं हुआ, लेकिन हम सोच रहे थे हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम अज्ञानी हैं, ऐसे सोच के बैठे हम, इसलिए ये हमारे अंदर जो कमियां जो है, एक कमी जो है इसको दूर करने से अपने आप से ब्रह्मज्ञान जो भी ठहरता है वो ब्रह्मज्ञान है, इसलिए वो किसी चीज का फल स्वरूप ऐसे नहीं बोलते, ये बात कह रहे हैं। भक्ति भी वैसा ही है, मतलब भक्ति हमारे स्वभाव है, भगवान के प्रति प्रेम जो है, भगवान की सेवा करना जो है हमारे स्वभाव है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने ये पूर्व जन्म के कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म जो है, उसके कारण
और कुछ ना कुछ है ना, ये संस्कार जो है उसके वश से किसी न किसी चीज के ओर भागते हैं। इसीलिए ये सब के कारण अपने अंदर जो पराभक्ति जो है व्यक्त नहीं हो रहा है, अंदर छिपा हुआ है। इसीलिए साधना से क्या करेंगे, वो जो एक पर्दा जो है उसके ऊपर उसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे, ये बात कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, ये स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमार है। नारद जी का मत के अनुसार ये भक्ति भक्ति का फल है। इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ता है। यहां पर कहते हैं यह नित्य सिद्ध वस्तु है। नित्य सिद्ध मतलब सब समय है, नित्य मतलब सब समय, कल था आज है और कल भी, आने वाले कल को भी वो रहेगा, सब समय है हमारे अंदर, नित्य सिद्ध वस्तु है। क्या ये भक्ति साधना के द्वारा इसे किस प्रकार पाया जा सकता है, साधना के द्वारा अहम का नाश होता है, चित्त शुद्धि होती है। साधना करने से क्या होता है, चित्त शुद्धि, मन के जो मैला जो है उसको धो रहे हैं साधना करके। किंतु चित्त शुद्धि ही ईश्वर लाभ नहीं है, हमें यह समझना चाहिए। चित्त शुद्धि होने से भगवान का जो अनुभव है उसके लिए हमारे अंदर एक परिस्थिति का निर्माण होता है, लेकिन भक्ति जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से। इसलिए साधना के द्वारा हम चित्त शुद्धि पा सकते हैं, हम चित्त शुद्धि पा सकते हैं। भक्ति के द्वारा चित्त शुद्धि, कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि। योग सूत्र में भी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब ये चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होता, चित्तवृत्ति हमारे मन के अंदर जो थॉट्स जो है वो आते रहते हैं, तब हम वो जो चित्तवृत्ति के साथ, वो थॉट्स के साथ अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं अमुक हूँ, अमुक घर में जन्म लिया हूँ, और मेरा इतना डिग्री है, और मेरा ये अधिकार है, मेरा यहाँ पर घर है, हमारा आइडेंटिफिकेशन सब इसके साथ हो जाता है। जब इसको निरोध करोगे मतलब इसको रोक सकोगे, तब क्या होता है, ये सब नहीं है, स्वरूपे अवस्थानम, तब हमारे स्वरूप में हम रहते हैं, ये बात कहते हैं। इसीलिए थोड़ा इसको समझने के लिए ये कहते हैं यहाँ पर, प्रेम स्वरूप भगवान स्वयं ही कृपा कर भक्त के हृदय में प्रवेशित होते हैं। लेकिन वो होने के लिए उनको है ना अपने हृदय में जगह बनाना चाहिए। अपने अंदर इतना वासना है, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत बड़ा लिस्ट है, और जो भी है उसको फिर बहुत मजबूत से मजबूती से पकड़े हैं, और फिर भी कुछ लिस्ट है पाने के लिए। और जब ये सब है, मानो आपके घर में एक अतिथि को, अपने अति प्रिय मित्र को आपने बुलाया है, और जब आगे अंदर देखते हैं अपने कमरे में सब मतलब ये है, कचरा है, सब कुछ भरा है, कैसे अंदर आएगा? उसके लिए क्या करना चाहिए, उस कमरे को अपने घर को पहले साफ करना चाहिए, सफाई करके रखना चाहिए उसको, तब वो जो मित्र आते हैं वो अंदर आते हैं, नहीं तो बाहर ही रोक लेते हैं। वैसे ही जब अपने चित्त शुद्धि होता है उसके अंदर कृपा करके भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, उनकी कृपा चाहिए। ये बहुत जरूरी बात हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम ये भूल मत करना कि जो भी हम साधना करते हैं ना उसके फलस्वरूप हमें भगवान की साक्षात्कार हो गया, नहीं। साधना से हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा स्वभाव नहीं था जो अब है, अब हमने बन गया अपने स्वभाव, मतलब अपने जो संस्कार के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको हम हटा रहे हैं,
उसको हटा रहे हैं साधना के द्वारा। सिर्फ भगवान ने तो दिया है हमारे अंदर, वो सब कुछ वो अंदर बैठे हैं भगवान, लेकिन हमारे ये जो मन जो है, अपवित्र मन जो है, पूर्व जन्म संस्कार के वजह से, जो भी कारण हो उसके वजह से, वो अंदर के भगवान को नहीं देख पा रहा है, उनको समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि सब समय कुछ ना कुछ मन के अंदर सोच आता रहता है, भगवान के सोच आता नहीं। कभी कभी जाते हैं सत्संग में, बैठते हैं, तब स्वामी जी कुछ बोलते हैं, तब ऐसा लगता है अच्छा ये तो ठीक है, ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रबल है अपने संस्कार। और अब क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। किसके लिए साधना करना चाहिए? इस संस्कार को मिटाने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, उसके लिए साधना होती है। जब ये परिष्कार हो जाएगा, वो भगवान अपने आप अंदर आएंगे, कृपा करके अपने आप अंदर आएंगे, ये बात कहते हैं। इसीलिए जे कि ये भक्ति मार्ग में जो भी नारद जी हमें बताए हैं, देवर्षि नारद जो बता रहे हैं, पहले इसमें ना गौणी भक्ति कहते हो, भक्ति वहां से शुरू होती है, उसमें अलग अलग तरीका होती है। गौणी भक्ति में भी किसी किसी व्यक्ति ने भगवान के पास क्यों आया, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, भगवद्गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते, हम चार तरीके के लोग भगवान को बुलाते हैं, उसमें आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी, ये तीन, और एक ज्ञानी है, ज्ञानी भगवान को जानने के बाद वो भगवान की प्रार्थना करता है, और ये तीन जो है आर्तो कुछ बहुत बड़ा भयंकर संकट में है, उससे निपटने के लिए भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि वो जाते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा ये हो गया, और जाते हैं कहाँ पर, पहले होम्योपैथी जाते हैं वो नहीं हो रहा है, और उसके बाद एलोपैथी के पास जाते हैं वो भी नहीं हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, तब सीतापति आपका ही गति है, उनके चरण कब पकड़ते हैं सीतापति का, मतलब ऐसे लोगों का आर्त कहते हैं। और उसके बाद और एक तरीके के लोग होते हैं जिज्ञासु, वो देखते हैं, देखिए सूरज, पूर्व में सूरज का उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, ये तो रोज चल रहा है, अपने घर में यदि हम दो दिन नहीं रहेंगे, काम तो ठीक ठीक से नहीं रहेगा, मतलब जो भी मालिक है, मालिक नहीं रहेगा तब मालिक रहेगा उस व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगा। इसका मतलब इस दुनिया व्यवस्थित रूप से चल रहा है, सर्दी का दिन आ रहा है, गर्मी के दिन आ रहे हैं, बारिश हो रही है, सब कुछ एक अपने एक ये सिस्टम से हो रहा है, इसका मतलब इसको चलाने वाले को ही होगा। लेकिन सचमुच है क्या ऐसे? इसको जिज्ञासा है इसके मन में, मतलब वो मन में ऐसे थॉट भी आता है और उनको उसमें विश्वास भी नहीं होता है, इसको जिज्ञासु कहते हैं ऐसे लोग। वो भी परमात्मा को आखिरकार क्या करते हैं, भगवान समझा दो, ठीक ठीक से समझा दो। और अर्थार्थी, और एक तरीके के लोग होते हैं, कुछ कमियां हैं उसको पाने के लिए, बहुत समय से ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे से जूनियर सब उनको प्रमोशन हो गया है, अभी तक मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, क्या करेंगे, जो भी करना ऑफिस में कर दिया, और उसके बाद मैं तिरुपति में था पहले, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे दर्शन के लिए आते हैं, क्या कुछ ना कुछ ऐसे एक लिस्ट लेके आते हैं, मेरा प्रमोशन करवा दो, बेटी का शादी करवा दो, ये सब गौणी भक्ति में आ जाता है। भक्ति है, मतलब ये भक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, ये भक्ति का प्रारंभ दशा है, क्लास वन में है, वहां से मतलब शुरू हो गया है ना, और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे धीरे। उसका मतलब उस समय क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, करने के बाद धीरे धीरे ना, जब ये समझ में आता है अच्छा इस दुनिया का हाल ऐसा है, कुछ ना कुछ कमी है ना, उसको पूरी किया, और दूसरा कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, एक इससे निपटो और दूसरा आ गया, मतलब कोई इसका ये नहीं है सब समस्या के निपट लिया बस, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए ये समझते अच्छा अब क्या करना होगा,
जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मन को शांति मिलता है, क्यों ना उसके लिए हम प्रयत्न करें। ये सब छोड़ के ना, ये सब जो जो होने होने दो, क्योंकि ये तो रोज का समस्या है ना। जो एक ये कहावत है, रोज जो मरेंगे उनके लिए कौन रोएंगे, है ना। जब हमारे ये समस्या इतना आ जाते हैं, पहले पहले हम मतलब वो बहुत कोशिश करते हैं उससे निपटने के लिए, और उसके बाद जो भी प्रयत्न करना है कर देते हैं, और भगवान को इसलिए तकलीफ नहीं देते। भगवान से क्या मांगेंगे, भगवान मन की शांति दो, तुम्हारे कृपा मेरे ऊपर हो जाए। हाँ, और जैसे बैठ के प्रार्थना करने से थोड़ा उसमें नाम जप करने से उसमें रुचि मिलता है, उसको मुख्य भक्ति कहते हैं। धीरे धीरे ना ये भक्ति बढ़ के मुख्य भक्ति होते हैं, और उसके बाद वहां से मतलब थोड़ा आकर्षण बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ये अवस्था में मतलब भगवान को जब पुकारने में थोड़ा रुचि मिल रहा है, उससे आनंद मिल रहा है, भजन में आनंद मिल रहा है, भजनानंद मिल रहा है, और नाम स्मरण में आनंद मिल रहा है, और सहस्रनाम पारायण करें उसमें आनंद मिल रहा है, और सत्संग में जाते हैं उसमें आनंद मिलता है, तब व्यक्ति वह साधक वहां से आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे ऐसे करते करते आगे बढ़ता है, और एक दिन आएगा मन संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। धीरे धीरे पवित्र होते होते मन संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। भगवान देखते रहते हैं, मतलब इसके हृदय के अंदर कुछ तो है अभी भी, ठीक है थोड़ा और प्रतीक्षा करें। और जैसे ही ये संपूर्ण रूप से पवित्र हो गया, अंदर बैठने के लिए सब तैयार हैं, कृपा करके अंदर आ जाते हैं भगवान, पराभक्ति मिलती है तब, उसको पराभक्ति कहते हैं। मतलब ये जो भक्ति जो है गौणी भक्ति से, प्रारंभिक भक्ति से सा होके वहाँ से मुख्य भक्ति होते हुए और ये पराभक्ति के ओर जाती है। कैसा होता है ये, इसको पक्व होना कहते हैं, मैच्योरिंग। गौणी भक्ति मैच्योर्स इंटू मुख्य भक्ति, मुख्य भक्ति मैच्योर्स इंटू पराभक्ति, ये अलग नहीं है, ये भक्ति ही है, इसका ही फल है। जो पराभक्ति मिलता है इसका ही फल है, जैसे भी बोलो। इसीलिए नारद जी कहते हैं स्वयं फल रूपेति, मतलब भक्ति पराभक्ति पाने के लिए आपको दूसरा कोई मार्ग ढूंढने का जरूरत नहीं है, भगवान के भक्ति करो, उनके प्रार्थना करो, उनके जप ध्यान करो, और साधु संग करो, सत्संग करो। ये सब करते करते आप देखोगे धीरे धीरे ये जो ये संसार के जो समस्याओं से निपटने का, भगवान से निपटने के लिए भगवान से जाते हैं ना, उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। छोड़ के भगवान से सिर्फ मन की शांति के लिए, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करने का मन आता है, उसके लिए दिल करता है। अच्छा थोड़ा समय सत्संग में बिता दो ना, ये भाव आती है। बैठ के समय मिलेगा तब बैठ के थोड़ा भगवान के नाम स्मरण करे, भगवान के चिंतन करे, जब भी समय मिलता है ना, इसे करना तो मतलब थोड़ा अंदर आकर्षण शुरू हो गया। और उसके बाद ये और मैच्योर होने के बाद, पक्व होने के बाद वो पराभक्ति से परिणत होता है, ये बात कहते हैं नारद। इसीलिए भगवान अपने हृदय के अंदर हैं, भगवान अपने हृदय के अंदर बसे हैं, मतलब अंदर आ जाते हैं, इसका मतलब जो अंदर आए हैं ऐसा नहीं, अंदर ही बैठे हैं, उनका तो वही स्थान है, सारा दुनिया उनका स्थान है। लेकिन जब हमारे अंदर का जो ये संस्कार ये सब हम मिटा देते हैं, तब वहां से प्रकाशित होते हैं। तब तक प्रकाशित नहीं हुए थे, अब प्रकाशित होते हैं, ये है। मतलब सब समय है, इसीलिए भगवान तो अपने अंदर हृदय में है, फिर हम उनको देख पाते नहीं है। क्यों क्यों हम उनको नहीं देख पाते, इसका कारण है अपने अंदर के अज्ञान। अज्ञान अज्ञान मतलब भगवान का जो उपस्थिति है उसका ज्ञान नहीं है। क्यों अज्ञान है, उसका कारण ये भी हो सकता है, मतलब अपने संस्कार हो सकता है, अपने आकांक्षाएं हो सकती हैं, आशाएं हैं बहुत सारे, और उसको पूर्ति करने में लगे रहते हैं, भगवान को ढूंढने का समय ही नहीं है। ये सब कारण से प्रारब्ध कर्म बोलो जो भी बोलो,
इस कारण से हमको उनको नहीं देख पाते। जब हमें यह समझ में आता है, अच्छा इस दुनिया में जितना ही दुनियादारी करो लेकिन शांति मिलने वाला नहीं है, सुख तो मिलता है, सुख के बाद दुख होता है, एक समस्या से निपटो दूसरे एक समस्या आ गई, इसका तो कोई हल ही नहीं है। शाश्वत रूप से शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद के लिए जो है ना, उसके लिए चाहना, ये हमारा स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वो शाश्वत शांति चाहता है, शाश्वत आनंद को पाना चाहता है। लेकिन इस दुनिया के जितना भी वस्तु है उसमें पाने वाले सुख अब है कल नहीं है, और फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। सुख और दुख ये एक के पास एक के बाद एक एक के बाद आते रहते हैं। ये सब जानने के बाद ठीक है उनको ही पकड़ेंगे, है ना। जब उनको पकड़ के उनको ही हम बता देते हैं, वो भक्त के धीरे धीरे ये समझ में आता है भगवान तो हमारे हितैषी है, माँ जैसी है, बच्चे को जो भी जरूरत है माँ उसका पूरी करती है, बच्चे को मांगने का जरूरत नहीं है, नहीं मांगने से भी माँ देती है उसको, माँ को मतलब ये समझ में आता है बच्चे को भी ये हो गया मतलब भूखा है इसलिए कुछ खाना खिलाना चाहिए, माँ जानती है सब उसका जरूरत क्या है, वैसे ही भगवान पूरा कर देते हैं। ये विश्वास उनमें होता है, उसको मुख्य भक्त कहते हैं। धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण होता है, उसके बाद पराभक्ति। लेकिन ये ऐसे एक दिन में होने वाला नहीं है, हमें इसको टिक टिक समझना चाहिए। श्री रामकृष्ण के एक भक्त थी गोपाल माँ, उसको गोपाल माँ कहते थे, अघोरमणि देवी। उस समय बाल्य विवाह था, 9 साल के उम्र में उसका शादी होगी। जब 14 साल की थी उनके पति मर गए, पति के साथ जीवन भी नहीं किया क्योंकि विवाह मतलब जैसे आप ये करते हैं ना एंगेजमेंट करते हैं ना, ऐसा था पहले विवाह मतलब, और उसके बाद जब बड़ी हो जाती है उसके बाद अपने पति के घर जाती है, लेकिन उसके पहले पति का मरण हो गया। फिर वो क्या करे, कहाँ रहे, कुछ समय के बाद उनका माता पिता भी मर गए, और उनका एक सौभाग्य था, एक गुरु ने उनको मंत्र दिया था, गोपाल का मंत्र, बालकृष्ण का मंत्र दिया था। और उन्होंने क्या किया, अपने जो पति का जो भी ये आया था गहने थे वो सब बेचकर, एक 5,000 रुपये पैसा मिला, उन दिनों बहुत बड़ा रकम था, उसको कुछ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, उस पैसा लिया, और उनके भाई एक मंदिर में, ये दक्षिणेश्वर के पास पड़ता है कामारहाटी एक गांव है, वहाँ राधा कृष्ण मंदिर था, वहाँ का जो ये थे मालिक थे वो तो मर गए थे, उनके वाइफ जो है वो भी विधवा थी इनके जैसे, और वो भी थोड़ा साधना करने का दिल वाली थी, वो भी बहुत सरल जीवन बिताते हुए साथ जप ध्यान ये सब करती थी। उनको भी कोई ना कोई संग में ना जो भी भक्त होते हैं उनको साथ में एक और एक भक्त होने से अच्छा लगता है, ढूंढ रही थी ये मिल गई, फिर दोनों बहुत अच्छे ये बन गए, और उस मंदिर के इसमें एक कमरा दे दिया इनको, और वहीं रहती थी और साधना करने लगी। उनका जीवन ऐसा था, सुबह 2 बजे को उठती थी, उठ के गंगा स्नान करके जप के लिए बैठ जाती थी, 8 बजे तक एक तक चलता था, और उसके बाद जाके ये जो मंदिर का जो है मंदिर परिष्कार करना और फूल तोड़ के देना, पूजा के लिए माला बनाना, ये सब बहुत सारे जो भी मंदिर संबंधित काम था वो सब करती थी, और उसके बाद जो अपना पैसा था उससे थोड़ा ये राशन वो सब रख के ना रखती थी, और उससे चावल दाल वो सब बना के थोड़ा हफ्ते में एक बार सब्जी खरीदती थी, रोज नहीं जाती सब्जी खरीदने के लिए, हफ्ते में एक बार वो जो करेला ऐसे ये सब खरीद के उससे कुछ ना कुछ बना के उसके साथ खा लेती थी, उसका मेन भोजन था रोज का। और उसके बाद फिर मंदिर में आरती वो सब होती थी, वो सब करके थोड़ा विश्राम लेती थी, विश्राम के बाद फिर 4 बजे को अपना जप ध्यान शुरू कर दिया, मंदिर में आरती होती थी शाम का,
वहाँ सत्संग कभी कभी होती तो उसमें अटेंड किया, जब ध्यान किया, और उसके बाद शाम को फिर थोड़ा सा जो ये दूध और कुछ है ना, ये नारिकेल का लड्डू ऐसे कुछ होता था, उसको थोड़ा खा के, बहुत लाइट, उसको खा के फिर जप करने के लिए बैठ जाती थी। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक चलता था, और उसके बाद 1-2 घंटे के लिए सोती थी, फिर शुरू हुआ। 30 साल, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सिर्फ एक बार तीर्थ यात्रा गई थी कुछ दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए, उस समय छोड़ के ये 30 साल में संपूर्ण रूप से उसी मंदिर के है ना, उसी कमरे में अपने समय उन्होंने बिताया, भगवान की सेवा करके, और अपने जब ध्यान करते करते जपमाला इतना घुमाई है, इतना जप किया है, और जैसे धीरे धीरे उनको ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वो जो मालकिन थी मंदिर का, जो मैनेजर, उन्होंने उनको एक बार, दक्षिणेश्वर पास में ही है, बहुत सारे लोग कह रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा हैं, उनके पास गए, श्री रामकृष्ण के पास, उनसे बात करके श्री रामकृष्ण को बहुत अच्छा लगा। दोनों साधिकाएँ थे, साधना करती थी, दोनों भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, राधा कृष्ण मंदिर में रहते थे, वो सब देख के बहुत ये हुआ। और उसके बाद जाने के वक्त साधु को देखने के लिए ना कुछ ले जाते हैं, ऐसे कुछ इसमें बाजार से कुछ मिठाई ले गई थी ये अघोरमणि देवी। श्री रामकृष्ण ने बताया, अगले बार जब आओगी ना, कुछ ये कोकोनट लड्डू ऐसे कुछ लेके आओ, नहीं तो कुछ सब्जी ये सब बना के लेके आओ, क्यों बाजार से लाती हो, क्यों उतना पैसा खर्चा करती हो। जैसे अघोरमणि वापस आई, आने के बाद उनको ऐसा लगा और जाना चाहिए, मन में एक आकर्षण, और शुरू हुआ, और जाती थी कुछ सब्जी कुछ। जैसे ही वहाँ जाती थी, श्री रामकृष्ण भगवान के बारे में कुछ नहीं पूछते थे, पहले पूछते थे मेरे लिए क्या लाई हो, और जब भी कोई संदेह हो उसको उसके बारे में बात करते थे, लेकिन मुख्य रूप से यही बात होता था। लेकिन जैसे ही वहाँ कामाराटी वापिस आई मंदिर में, उनके मन में फिर और एक बार देखने का आकर्षण होता था उनके मन में, बहुत बड़े महात्मा हैं, भगवान से इतना प्यार करते हैं, और ये सब मन के अंदर आते हैं, उनको देखने का ये होता था। और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो जप करने का तरीका बदल गया, श्री राम कृष्ण का जो देखने से, उनके दर्शन के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया उनके मन में, जो पहले करती थी उससे गंभीर रूप से, मतलब भगवान मेरे जो भी प्रार्थना करें वो सुन रहे हैं ये बात। एक दिन क्या हुआ, उनका जो गोपाल का मंत्र दिया हुआ था ना, और एक बाल गोपाल का मूर्ति भी था उनके पास, जो भी अपने इसमें तैयार करती थी उसको पहले उनको भोग चढ़ा के और उसके बाद उसको प्रसाद रूप से स्वीकार करती थी। एक दिन चढ़ा रही है, तब क्या हुआ, जोर से हवा से वो जो पत्ता था, केले का पत्ता, वो उड़ गया, वो भगवान से ये का बोलने लगी, मतलब उनसे ना गाली देने शुरू की, मैं तो मेरे गोपाल को खिला रही हूँ और तुम पत्ते उड़ा रहे हो, तुमको और कोई काम नहीं है क्या, ऐसे भगवान से झगड़ा कर रही है। और जैसे ये की वो देखी, मतलब एक लड़का लड़का दोनों हाथ से वो जो उड़ गया था ना, वो पत्ते, केले के पत्ते को लेके आया, वहाँ रखा, जब तक वो ये इसका सब वहाँ ये कहिए ना लगा दी उस पत्ते में, तब तक वो पकड़ के रहा, और ये तो अपने जो भोग का जो प्रक्रिया शुरू की, भोग तो चढ़ा दी, और उसके बाद उनको मन में लगा, अच्छा ये कौन थे, पत्ते पकड़े थे ये कौन। तब उनको मन में आया, जिसको मैं पुकारती हूँ वो ही आया था, बाल गोपाल। फिर और जोर से जप करने लगी। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह 3 बजे को जब उठ के जप करना शुरू की, उन्होंने आ गया बाल कृष्ण, नन्हे नन्हे यशोदा नंदन आ गए, आके उनके हाथ से वो जपमाला छीन के खाने के लिए कुछ दो। उनके घर में कुछ नहीं होता था, सिर्फ कुछ ना ये नारिकेल का लड्डू होता था, उसको दिया उन्होंने। देते देते उन्होंने बताया
तुम्हारे लिए क्या दूं, वो मांग रहा था माखन, इनके पास नहीं, ये लड्डू दिया था, और देखो इसको खाने से क्या होगा, तुम्हारा मुंह के अंदर रक्त बहाएगा, ये इसे चीज मैं दे रही हूं, लेकिन मुझे ऐसे फल मत दो। ये सब मतलब उनसे ऐसे बातचीत करती थी, हम तो भगवान के पास जब जाते हैं तो डरते हैं, वो सब नहीं था, एकदम भगवान अपना उस भाव से। और जैसे ही मतलब ये सुबह का ये आलू निकला और उनको लेके, उसी बालकृष्ण को लेके अपने गोद में लेके चल पड़ी, कहाँ, दक्षिणेश्वर में, श्री रामकृष्ण के कमरे में गई, वो गोपाला गोपाला बोल के, श्री रामकृष्ण को ही गोपाला बोलती थी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था श्री रामकृष्ण और दूसरा कोई नहीं है, मेरा इष्ट देवी इस रूप में आए। और जैसे वो आई, वो गोपाल जो इसके गोद में था वो गया, चला गया श्री रामकृष्ण के अंदर, और पगली जैसे नृत्य करने लगी, ब्रह्म नाच रहा है, विष्णु नाच रहा है, सारा दुनिया नाच रहा है, मतलब कभी ऐसे नहीं करते थे। जो भक्त वहां पर देखे उनको आश्चर्य हो गया। फिर श्री रामकृष्ण ने कुछ समय के बाद, 2-1 घंटे के बाद उनको थोड़ा स्पर्श किया और उसके बाद वो शांत हो गए। और उसके बाद बार बार आती थी उनका, जो गोपाल का दर्शन होता था जीवन में। यो हम सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे, श्री रामकृष्ण को जितना दर्शन होता था ना, वो सब कहते थे आपका भ्रम है, कुछ भी बोलो, श्री रामकृष्ण कहते थे मैं मां से पूछूंगा, आपका भ्रम है ये सब कहते थे। लेकिन एक बार जब ये नरेंद्र आया था श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण बोल दिया उनको, अच्छा ये है ना अघोरमणि जी, उनके उनके साथ बात करो। और जब स्वामी विवेकानंद बात करने लगे, ये अपने अनुभव सब बताने शुरू किया, अघोरमणि देवी, गोपाल, गोपाल का माँ है इसलिए गोपाल माँ कहते थे उनको, गोपाल एरमा गोपाल माँ, गोपाल माँ से बात करने शुरू किया और अपने अनुभव सब बताने लगी। अच्छा वो देखो, वो बालकृष्ण आता है, मैं जब जो भी भोग चढ़ाता हूँ उसको खाता है और जप करना नहीं देता, बहुत सारे लकड़ियां लेके जाऊं वहां पे आके बहुत ये करता है, नटखट है ये सब, और बीच बीच में पूछती है क्या ये सब सत्य है या मेरा मन की भ्रम। वो सब सुनने के बाद नरेंद्र कहते हैं, नहीं माँ, ये सब मिथ्या नहीं, ये सचमुच है, आपका अनुभव है, सचमुच सत्य है। देखिए कहां से शुरू हुआ और उसके बाद कहां पर आया, ये बाद में जब मार्गरेट इनोबल, सिस्टर निवेदिता, उनको स्वामी विवेकानंद ने उनके पास भेजा, आई कामाराटी में, जहाँ पर जो गोपाल एरमा ठहरती थी उसी इसमें कमरे, वो सब देख के उनके साथ बातचीत करने के बाद इतना वो प्रभावित हुई, कहती थी मतलब देखो भारतीय, भारत में जो विधवा होते हैं, विधवा होने के बाद क्या कहते करते हैं, वो भगवान ही अपना सर्वस्व है, दूसरे जगह में बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसे नहीं, वो लोग भगवान को पकड़ लेते हैं, मेरा जो भी संसार का बंधन था वो सब मिट गया, अब तक पकड़ो मेरा अनाथ हो दैव रक्षक बोलते हैं, जो अनाथ होते हैं उसका रक्षक कौन है, भगवान है ये भारत के, और वो समझते हैं इसे। निवेदिता लिखती है उनके बारे में, बहुत सुंदर रूप से मतलब ये लिखती है। इसलिए जैसे हमने देखा पहले उन्होंने क्या किया, जब ध्यान ये सब करती थी, क्यों, गुरु का उपदेश हुआ था, गुरु ने बताया था उनको जितना हो सकता है जप करो, भगवान की सेवा करो और गाना गाओ, भजन करो, शास्त्र पढ़ो, रामायण वो सब पढ़ती थी, भागवत वो सब पढ़ती थी, ये सब करो। और ये सब पहले पहले क्यों किया उन्होंने, गुरु ने बताया, गुरु वाक्य है, और ये करते करते धीरे 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 एक भगवान के प्रति आकर्षण होने लगा उनको। पहले पहले जैसे गुरु बताए इसलिए करती थी, अंदर से एक ऊर्जा आती थी उनको, इच्छा जागती थी, अच्छा सुबह उठ जाऊं और भगवान के नाम करूं, अच्छा लगती थी,
मन के अंदर एक थोड़ा उसे बहुत आनंद मिलता था, नाम करने में आनंद। और उसके बाद देखिए पवित्र हो गई। लेकिन जब से श्री रामकृष्ण से मिली उन्होंने, वो क्या हुआ, भगवान की कृपा आने लगी। कृपा है भगवान का थी, लेकिन उसके लिए योग्य नहीं थी। तब तक हमें यह समझना चाहिए उसके लिए लायक होना चाहिए ना, उसके लिए साधना की थी उन्होंने। भगवान तो तैयार थे सब समय, भगवान तो तैयार थे, लेकिन उसके लिए अपने अंदर है ना, ये वो अपने अंदर को, अपने हृदय को तैयार करना चाहिए उनको आने के लिए। जैसे मैंने बताया था, सब कुछ ये है, सब कूड़ा सब पड़ा है वहां, कैसे आएंगे अंदर। सब साफ करने के बाद सुंदर रूप से सजा हुआ है, भगवान आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। भक्त हृदय भगवानेर बैठक काना, श्री रामकृष्ण कहते थे भक्त का हृदय ही भगवान का बैठक काना है। उनका ड्राइंग रूम कहाँ मिलते हैं, आप कोई धनी को मिलने के लिए जाने से ज्यादा कहाँ मिलते हैं, जमींदार अपने बैठक खाना में। और भगवान का बैठक खाना कौन सा है, भक्त का हृदय है, वहीं रहते हैं भगवान। ये बात है, इसीलिए हम ये गोपालेर माँ जो है उनके जीवन में हम ये बात देखते हैं। इसीलिए देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पराभक्ति को पाने का मतलब क्या है। अब देखिए शास्त्र में कई उदाहरण देते हैं इसको। अपने भगवत गीता में मैंने इसके पहले भी एक बार बताया था आपको, एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेरजुन तिष्ठति, भगवान सब एक के अंदर हृदय में वास करता है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, लेकिन ये कर्मों के वजह से, अपना जो संस्कार के वजह से क्या होता है, जैसे एक यंत्र में बिठा के घुमाते हैं वैसे घुमा रहे हैं। मतलब जनन मरण ये चक्र चल रहा है। और उसके बाद इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, उनका शरण में आना चाहिए। तब क्या होता है, जब उनके शरण में आओगे, जब ध्यान करोगे, तत्प्रसादात, उनकी कृपा से पराम शांतिम, परम शांति मिलेगा तुमको। कब मिलेगा, जब उनके शरण में आओगे। उनके शरण में आने का मतलब क्या है, गोपाल एर्मा का जीवन देखिए, जैसे मैंने बताया था उनके जीवन पढ़िए, तब पता लगता है भगवान के शरण में आने का मतलब क्या है। सिर्फ एक बार प्रार्थना करने से नहीं होगा, हमारा जो भी काम करते हैं उसको भगवान के लिए उनको अर्पण करना चाहिए, जो भी करते हैं, और जो भी फल मिलेगा उससे संतुष्ट होना चाहिए। यह शरणागति है, तमेव शरणम गच्छ। शरणागति में कोई किस चीज का कंप्लेंट नहीं होता भक्त का ना, भगवान जैसे भी रखे, दुख मिले तो ठीक है उनकी प्रसाद है, और सुख मिले तो उनकी प्रसाद है, समान भाव से उसको स्वीकार करना होगा। वो दुख भगवान ने क्यों मुझे उसे दुखी बना दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा ऐसे करने से। जब भगवान की इच्छा बोलते हो, भगवान जो भी देते हैं अपने भलाई के लिए देते हैं, क्योंकि दुख का भी कारण है, अपने प्रारब्ध कर्म मिटाने के लिए दुख अनुभव करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं, इसलिए भगवान देते उसको मिटाने के लिए। लेकिन हम समझते हैं और सबको सुख देता है भगवान, मेरे को दुख क्यों देते हैं। प्रार्थना करो, उनके प्रसाद रूप से स्वीकार करो, सुख आने से भी उनके प्रसाद रूप से स्वीकार करो। इसीलिए त्वमेव शरण सत्तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसी, परम शांति पाओगे और शाश्वत स्थान को पाओगे। मतलब अपने जो स्थिति जो है उसको आप पाओगे, जो भी आपका स्वरूप है। योग सूत्र में भी यही कहते हैं, योग सूत्र में कहते हैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योग मतलब क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, अपने मन में जो भी सोच आता है उसको निरोध करना, निग्रह करना। उसको कैसे करना, एक तत्व अभ्यास, कोई एक चीज के ऊपर अपने फोकस करो, धीरे धीरे दूसरे सोच सब मिटा दो उसको, है ना, एक पर टिके,
और उसके बाद एक समय आएगा, एक भी सोच नहीं होना चाहिए, ऐसे उसको चित्तवृत्ति निरोधा, अपने अंदर के सोच सब बंद कर देना, उसको योग कहते हैं। तब क्या होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हम है ना अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में हम रहते हैं, उसमें क्या रहता है, शांति रहता है, आनंद रहता है, अद्भुत एक आनंद और अद्भुत शांति है, कोई दुख नहीं है, कोई ये नहीं, उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, योग, योग स्थिति है। और वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यदि ऐसा न करे, वृत्ति सारूप्यम अपने मन के अंदर जो भी सोच आता है उससे आइडेंटिफाई हो गए, किसी ने कोई रास्ते में जा रहे थे, अच्छा देखो ये स्वामी देखो साइकिल रिक्शा में जा रहा है, ये तो साधु तो पैदल जाना चाहिए, मेरे को बोलने वाला ये कौन होता है, दो तीन दिन रात में नींद नहीं आती, क्योंकि वो भी जो भी बोला है उससे मन में ये आने लगा और उसके साथ मेरे को आइडेंटिफाई कर दिया। मैं इसे सोचूं यदि अच्छा ये कौन होते हैं बोलने के लिए, हजार बात बोलते हैं लोग, बोलने दो बस, कोई चिंता नहीं, लेकिन जैसे ही हम उससे आइडेंटिफाई कर देते हैं, मेरे को कोई ये किया, क्रिटिसाइज किया और मेरे को दुखी बना दिया, कुछ हो गया, उससे याद करके 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 बार बार है ना दुखी हो जाते हैं, ये सब इसीलिए होता है। मतलब वृत्ति सारूप्य मितरत्रा, यदि चित्त वृत्ति को निरोध कर नहीं करोगे तब वृत्ति के साथ, इसलिए दुख सुख ये सब अपने होता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा दुखी रहते हैं हम लोग, क्योंकि सुख सुख मिलता है ना उसको जब तक अनुभव करते हैं याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं और सिर्फ दुखी याद रहते हैं, है ना, ये हमारे हाल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वो जो चित्तवृत्ति निरोध करो तब अपने स्वरूप में स्थित होगे। स्वरूप क्या है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है अपना, आनंद अपना स्वरूप है, उसमें आप रहते हो। और दूसरे विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य स्वामी जी ये कहते हैं, आचार्य शंकर ये कहते हैं, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वामलम स्वात्मगुणम समृच्छति तथा मनः सत्वरजस्तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्त्वम्। देखो साधना के सार बता दिया उन्होंने, क्या होता है, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम, ये जो सोने का ये किया था ना कंकण जो भी हो मिट्टी में ये हो गया था, और कुछ दिन वहां रहने के बाद क्या होता है, वो एकदम सब मिट्टी लग जाता है उससे, उसको वहां से निकालो, निकालने के बाद जैसा लगता है वो लोहा का होगा, अब तब क्या करेंगे उसको, थोड़ा ये करेंगे करते थोड़ा चमकना शुरू करता है, फिर उसको मार्केट में आजकल बहुत सारे मिलते हैं ना, उससे बहुत अच्छे तरफ से उसको सफा करते हैं, साफ करने के बाद क्या हुआ, वो चमकने शुरू किया, वो क्या हुआ तब पता चलता है वो सोना है। देखिए जब मिट्टी में पड़ा हुआ था तब भी सोना था, हम सोच रहे थे ये लोहा का है, क्यों, उसके ऊपर मल है ना वो था, इसलिए अब क्या हुआ वो सोना हुआ, सोना नहीं हुआ, पहले भी था अभी भी है, पहले भी था अभी भी है, वो सोना ही था, जब मिट्टी में गिरा हुआ था तब भी वो सोना था, जब हमने उसको परिष्कार कर दिया तब भी वो सोना है। वैसे ही ये परमात्मा अपने अंदर है। अब मन के मल कौन से मल है, सत्व रजतम, इसको बताने का तरीका अलग अलग है, उसमें तीन गुण है प्रकृति का गुण, ज्ञान मार्ग में यही बात कहते हैं वेदांत में, सत्व रज और तम, ये तीनों प्रकृति का गुण है, इसके वजह से अपने मन के अंदर जो परमात्मा बसा है, जो आत्मा है, वो ढका हुआ है, ढका हुआ है, और उसको निकाल के स्वात्म गुणम समृच्छति तथा मनः सत्व रजस्तमोमलम ध्यानेन संत्यज्य, कैसे उसको निकाल दें, ध्यानेन साधना करके इसको हम जब निकाल देते हैं तब क्या होते हैं, संत्यज्य समेति तत्त्वम, तत्त्वम जो भी था
है ना, जो भी हैं हम, जो भी होंगे, मतलब भविष्य में भी, त्रिकाल में जो हैं हम, वो ही चमकने शुरू कर देगा, वो ही प्रकाशित होगा, वो ही प्रकाशित होगा। कैसे? ध्यान ही ना, साधना है, ध्यान भी एक साधना है। इस साधना के द्वारा सत्व रज और तमोगुण जैसे मल को हमने निकाल दिया, तब क्या हुआ, अपने आत्म जो है प्रकाशना शुरू कर देता है, चमकना शुरू कर देता है। वो पहले भी उसका चमक था, लेकिन क्या था, उसके ऊपर पर्दा था। श्री रामकृष्ण कहते थे, देखो भगवान कैसा है तुम्हें पता है, ये देखो, एक कपड़ा ऐसे सामने लगा देते, मेरे सामने खड़े हो तुम, मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मेरे मुंह नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां पर नहीं हूं, यहीं पर हूं, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं यहीं पर हूं लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। जैसे इसको निकाल दो, निकालते ही फिर मुझे देख पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, यह साधना का मतलब हुआ इस पर्दे को हटाना। इसलिए कहते हैं स्वयं फल रूपेति, पराभक्ति जो है भक्ति का, यह साधना का फल रूप है। फल रूप है मतलब क्या है, अपना अंदर में जो भी कमियां है उसको दूर करते हैं, वो स्वयं फल रूपा, उसका भक्ति का फल भक्ति ही है। ये बात नारद जी हमें समझाते हैं। इसलिए भगवान को जो पुकारने का, जो अपने अपने तरीके से हम जो भक्ति करते हैं, उनका स्मरण हो, भजन हो, शास्त्र पाठ हो, रामायण भागवत का पढ़ना हो, श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ना हो, जो भी हो करते हैं, स्मरण करते हैं अपने, और अपने हर एक काम को भगवान के अर्पण करने का कोशिश करते हैं, ऐसे करने शुरू करते हैं, धीरे धीरे मन पवित्र होता जाता है। जैसे ही मन पवित्र होता है, धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण शुरू होने लगता है। बैठे बैठ के ध्यान करते हैं अच्छा लगता है, जप करते हैं, नाम करते हैं, तब अच्छा लगता है, एक आकर्षण, अच्छा कल भी करूं, आज भी करूं, ये ऐसे करने का दिल लगता है, सत्संग में रहने के लिए दिल लगता है। और उसके बाद जब वो मैच्योर होता है, पक्व होता है, और उसके बाद क्या, मन संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, तब अंदर के भगवान अपने आप प्रकाशित होते हैं, अपने आप प्रकाशित होते हैं, स्वयं फल रूपा, पराभक्ति अपने आप प्रकाशित होता है। ये बात नारद जी कहते हैं इस सूत्र में, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमारः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।